और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मिस्टर धारुनिया पर। तो भाइयों आज मैंने आप सभी के लिए बनाकर दिखा दिए है दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल। और भाइयों ये कोई फेक वीडियो नहीं है, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दिखाया था जिसके अंदर मैंने आरओ पंप की मोटर का स्पीड बढ़ाया था, उसके अंदर गियर बॉक्स लगाया था और आप सभी को एक रियल इलेक्ट्रिक साइकिल मोटर बनाकर दिखाई थी। तो भाई चालू करते हैं इस वाली वीडियो को और देखते हैं हम दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे बनाते हैं यहाँ पर। और अभी वीडियो में आपको अलग से आवाज आ रही होगी क्योंकि गाइस वीडियो शूट करते समय हमारे पांव के अंदर तार आ गया था हमारे माइक का, जिसके कारण वो टूट गया है और हमें एक्स्ट्रा आवाज यहाँ पर डालनी पड़ी। तो भाई कोई बात नहीं, वीडियो में बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो यार भाई एक लाइक तो आपको बनता ही है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चालू करते हैं इस वाली वीडियो को और देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। तो भाई ये है मेरे पास एक पुरानी साइकिल जिसको मैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसको उठाएंगे और वर्कशॉप में ले चलेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस मोटर को आगे की साइड में फिट करने वाले हैं। तो आप पीछे की साइड में भी फिट कर सकते हो, अपने अनुसार देख सकते हो आपको कहां पर फिट करनी है, लेकिन मैं आगे करूंगा। तो सबसे पहले इसका आगे का जो व्हील है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एक चेन चक्का लेके आया हूँ यहाँ पर मैं, ये आपको साइकिल रिपेयरिंग की शॉप जो होती है वहां पर इजीली मिल जाएगा और इसको हम आगे की साइड में यहाँ पर फिट करेंगे। लेकिन भाई यहाँ पर ये काफी ज्यादा टाइट आ रहा था, इसे ग्लाइंडर से घिसना होगा हमें सबसे पहले। तो गाइस हमारा चेन चक्का जो है यहाँ पर काफी अच्छे से फिट हो चुका है और यहाँ पर हम वेल्डिंग कर देंगे। अब गाइस अगर आपके पास वेल्डिंग नहीं है तो आप किसी वेल्डर के पास भी जा सकते हो, 5-10 रुपए में आपकी वेल्डिंग हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर देख सकते हो शाफ्ट जो लगी हुई है, इस शाफ्ट को मैंने एक तरफ ज्यादा की साइड में सरका लिया है और यहाँ पर एक मैं स्क्रू लगा दूंगा इसके अंदर से। इसके अंदर यहाँ पर एक नट लगा देंगे ताकि हमारी जो बॉडी से टच ना हो सके। अब हमारे साइकिल का जो चिमटा है आगे की साइड का, इसको हम खींच के थोड़ा चौड़ा कर देंगे ताकि हमारा जो पहिया है इसके अंदर इजीली आ जाए, क्योंकि गाइस हमने यहाँ पर चेन चक्का लगाया तो इसकी साइज थोड़ी चौड़ी हो चुकी है यहाँ पर। अब हमारे व्हील को हम अच्छे से नट बोल्ट लगाकर टाइट कस देंगे। फाइनली गाइस हमारा व्हील जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक चेन की जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस यहाँ पर ये चेन जो है मार्केट से लेके आया हूँ मैं, नॉर्मल हमारी जो चेन होती है वही वाली चेन है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसका एक छोटा पीस कट कर लिया है। इसको कट करना काफी ज्यादा आसान है गाइस, आप में कड़ी होती है, इस कड़ी को निकाल कर आप दूसरी कड़ी फिट कर दीजिए तो हमारी चेन यहाँ पर छोटी हो जाएगी। अब इस चेन को हम यहाँ पर इस टाइप से फिट कर देंगे और फाइनली गाइस हमारी यहाँ पर मोटर लगने के लिए कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस इसके अंदर जो मैं मोटर यूज करने वाला हूँ गाइस, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है सेपरेट वाला, जिसके अंदर आपको पूरा नॉलेज दिया गया है कि हम आरओ पंप की जो मोटर होती है वो 100 रुपए में मैंने परचेस करी थी और उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर रिवाइंडिंग करा था और उसकी आरपीएम जो उसको ज्यादा बढ़ाया था, उसके बाद उसका टॉर्क बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि एक गियर बॉक्स लगा रखा है आगे की साइड में, जिससे इसका टॉर्क बढ़ जाता है यहाँ पर। तो इसका जो गियर बॉक्स है हमने यहाँ पर देख सकते हो कि ग्लाइंडर जो होता है उसका यहाँ पर फिट करा है। तो इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको जरूर देखना गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 24 वोल्ट से 48 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट भी दे सकते हैं और 48 वोल्ट भी दे सकते हैं, जिससे इसका आरपीएम काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा चेन चक्का यूज करेंगे गाइस, और ये भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होती है जहाँ पर हमारा सामान मिलता है गाइस इलेक्ट्रिक साइकिल का, वहां से आप परचेज कर सकते हो इसको। और गाइस इसको हमने मोटर पे फिट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोटर को फिट करने के लिए एक माउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं एक मोटी लोहे की शीट ले रहा हूँ जो कबाड़े से मिली है, और यहाँ पर हम मार्किंग के इसको कट कर लेंगे। फाइनली गाइस हमारे यहाँ पर देख सकते हो हमने लोहे की शीट को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मोटर में एक होल दिखेगा आपको, ये जो गाइस हर ग्लाइंडर के अंदर यहाँ पर एक हैंडल फिट करने के लिए होता है। तो आप कोई सा भी ग्लाइंडर का इसके अंदर यूज करते हो, मतलब गियर बॉक्स लगाते हो, सभी के अंदर ये रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मार्किंग लगाकर होल कर लेंगे। तो गाइस फाइनली होल होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसको 90 डिग्री पे मोड़ना होगा। तो सबसे पहले इसको इस टाइप से लगाएंगे और गर्म करके हम इसे हथौड़ी से ठोक कर मोड़ देंगे। तो
गाइस फाइनली देख सकते हो मैंने इस टाइप का एक क्लैंप बनाया है और यहाँ पर जो मैंने दो होल किए और बीच में से ग्राइंडर से कट करके एक लंबा सा होल बना दिया ताकि हम इसको चेन को टाइट कर सके आगे पीछे सरका के। और भाइयों आपकी कमेंट्स आएगी कि विशाल भाई ये काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर 100 रुपए में पुराने पंप को खरीदा था यहाँ पर मोटर को जो कि खराब हो चुका था, उसको यहाँ पर रिपेयर करके मैंने इसमें गियर बॉक्स लगाए वो भी पुराना वाला लगाया, तो लगभग ये 300 रुपए में हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो आपको लगभग 7-8 हजार रुपए की हमारा पूरा किट मिलता है, जिसके अंदर मोटर जो होती है 3 हजार रुपए के आसपास मिलती है। तो भाई यहाँ पर 300 रुपए में हमारे इलेक्ट्रिक साइकिल किट की जो मोटर है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस मोटर को हम आगे की साइड में जो व्हील है वहां पर फिट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको चेन लगाएंगे और चेन लगाने के बाद में हमारा जो क्लैंप है उसमें जो हमने पहिया लगाया था उस पहिया के होल के अंदर लगाकर इसको फिट कर लेंगे। और गाइस ये जो मोटर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा आप सभी के लिए, अगर नहीं देखा हो तो उसको जाकर जरूर देखना। इस मोटर को बनाने का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। फाइनली गाइस हमारी मोटर जो यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हो चुकी है और हमारा जो मोटर चलेगी तो आगे का जो व्हील है वो यहाँ पर चलने वाला है। अब गाइस हमारी मोटर की वायरिंग कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहे हैं तो इसके अंदर हम कंट्रोलर का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर हम पूरा का पूरा जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके जो वायर है उनको लंबा कर लेंगे, हम दो वायर यहाँ पर फिट कर देंगे। अब गाइस इन वायर को हमें लेना होगा और हमारा हैंडल जो है हैंडल के ऊपर साइड तक ले जाना होगा। गाइस इसके अंदर हम बैटरी फिट करने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक 24 वोल्ट की बैटरी जो कि मैंने घर पे बनाई थी और इसका रेट भी काफी कम रेट में बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो काफी ज्यादा महंगी मिलती है, लेकिन इस बैटरी को मैंने घर पे ही बनाया था। इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। और अगर आपके पास ये वाली बैटरी नहीं है तो आप 12 वोल्ट की दो बैटरी को भी यूज कर सकते हो जिसमें आपको 24 वोल्ट मिलेगा, और अगर गाइस आप 4 बैटरी यूज करोगे तो 48 वोल्ट मिलेगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिक साइकिल बहुत ज्यादा स्पीड में भागने वाली है। तो हम यहाँ पर 24 वोल्ट यूज करने वाले इसके अंदर, तो आप इसके अंदर 4 बैटरी यूज करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा गाइस कि 48 वोल्ट हो जाएगा, जिससे हमारी मोटर को और ज्यादा पावर मिलने वाली है। ठीक है, वैसे हमें 24 वोल्ट में भी काफी अच्छी पावर मिलेगी इस वाली मोटर के साथ में। और गाइस अगर आप ये वाली बैटरी बनाना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप जाकर देख सकते हो, काफी कम रेट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमारी वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, दोनों वायर को हमारी बैटरी के दोनों वायर से कनेक्ट करना होगा और बीच में जो हमें एक स्विच कनेक्ट करना होगा, तो काफी ज्यादा सिंपल इसकी वायरिंग है। अब इसकी वायरिंग एक बार आपको समझा देता हूं मैं। हमारी जो दोनों मोटर है, हमारी मोटर है उसके दोनों वायर को हमें डायरेक्ट बैटरी के दोनों वायर में कनेक्ट करना है और एक वायर जो भी हो जहां से प्लस वाला या फिर माइनस वाला उसके बीच में कट लगाकर एक स्विच हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे हम जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारी मोटर चालू हो जाएगी। और गाइस अगर इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज आए, आपकी अच्छी कमेंट्स आए, अच्छी लाइक्स आए, तो गाइस मैं इसका कंट्रोलर भी बनाकर दिखा दूंगा आप सभी को, जिसमें हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं हम। लेकिन गाइस अभी मैं आप सभी के लिए बस डायरेक्टली स्विच लगाकर हमारी मोटर से आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल जो कम रेट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस मैं एक स्विच यूज करूंगा जिससे हमारी मोटर को ऑन ऑफ कर सके हम। अगर गाइस इस वाली वीडियो के अंदर अच्छे खासे व्यूज आए तो मैं इसका एक्सेलेरेटर, इसका कंट्रोलर भी बनाकर आप सभी को दिखाऊंगा, जिससे हमारी जो मोटर है उसकी डायरेक्टली स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं हम। तो गाइस फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम आउटडोर में आ चुके हैं यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर इसको चालू करके दिखाता हूँ गाइस, मैं पहले इसको उठा लेते हैं हम और अब यहाँ पर इसको चालू करेंगे। तो भाई बिना लोड के तो इसकी स्पीड काफी अच्छी मिल रही है हमें। अब यहाँ पर लोड देके और इसको स्पीड में चलाकर देखते हैं कैसी स्पीड मिलती है। भाई इसको चलाने से पहले मैं आपको नॉलेज की बात बता देता हूँ कि आप जैसे इसके ऊपर बैठते हो डायरेक्टली आपको बटन ऑन नहीं करना है। इससे क्या होगा कि मोटर के ऊपर काफी ज्यादा लोड होगा, एकदम से हाई स्पीड में ये भागेगी, जिससे क्या होगा कि इसका चेन टूट सकता है या फिर
वायरिंग भी जल सकती है इसकी। इसके अंदर हमने कोई स्पीड कंट्रोल नहीं लगाया जिसके कारण बटन दबाते से हाई स्पीड में भागेगी, जिससे क्या हुआ कि इसके मोटर के ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हल्का चलाएंगे, उसके बाद बटन को चालू करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा स्टेप से चलाएंगे और उसके बाद बटन को दबाएंगे, जिससे क्या हुआ गाइस कि ये जो है एकदम से लोड नहीं पड़ेगा मोटर के ऊपर और वो चलती हुई स्पीड को पकड़ लेगी। सो गाइस फाइनली हमारी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है और यहाँ पर जो है धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ना चालू हो चुकी है और आप देख सकते हो कि हमारी जो बाइक है बाइक के बराबर ही चल रही है। और गाइस हमारी जो इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर जो हमने मोटर यूज करी है वो कोई नॉर्मल मोटर नहीं है, आर ओ पंप का मोटर है जो 48 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट से 48 वोल्ट के ऊपर। और इसके हमने रीवाइंडिंग करके इसकी आरपीएम को बढ़ाया था। अगर आप डायरेक्टली इस मोटर का यूज करोगे तो इतना आरपीएम नहीं मिलेगा। उसके साथ में हमने गियर बॉक्स भी लगा रखा है, तो आपको वो वाली वीडियो जरूर देखना है। उसी के बाद अगर आप बनाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल अच्छे से काम करेगी। तो भाई आप सभी ने देखा भी कि हमारी जो साइकिल है वो काफी स्पीड में चल रही है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि मैंने फेक वीडियो बनाया, आप सभी को मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाकर दिखाया जिसके अंदर इसके आरपीएम बढ़ाई थी, इसके अंदर गियर बॉक्स लगाया, सारा का सारा इसका सर्च करके आपके लिए एक अलग से बनाया वीडियो, ताकि आपको जो पूरा नॉलेज मिले और पूरा का पूरा आपको रियल कॉन्टेंट में आपको बनाकर दिखा सकूँ। तो ये वाला जो वीडियो है आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपके लिए इसी टाइप के नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग और रियल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।